continuing our communication series. So in this video, I'm going to enlighten you about the scopes of communication, right? As you can see, first of all, let me explain the meaning of scope. So see, scope means the subject area of the communication. As you know, the meaning of communication as well as the process of communication. Let's come to the scope. Scope means the subject area, means how much the communication is broadened, right? So हम कह सकते हैं कि communication दिखाता है कि उसका जो विषय क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है. Communication कहाँ ज़रूरी है, किस किस जगह पे communication अपनी importance को show करता है, right? So as you can see in the screen, the scopes of communication are given here. So let's see, the first one here it is given. These are the broadened area of the communication, right? So here it is mass communication, group communication, interpersonal communication and intrapersonal communication. अगर हम इसको बहुत ज़्यादा extensive way में बात करें, तो scope of communication जो इसका जो subject area है, उसका use, उसका बहुत ज़्यादा ब्रॉडन यूज़ किया जाता है मास कम्युनिकेशन में. ठीक है, मास कम्युनिकेशन की हेल्प से हम कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मास मीडिया, लाइक द न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल्स, इस तरीके से. ठीक है, मास मीडिया की हेल्प से. दूसरा हम बात कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन से थोड़ा सा कम ब्रॉडन है ग्रुप कम्युनिकेशन. जब हम ग्रुप में बात करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम डिस्कशन करते हैं किसी इम्पॉर्टेंट इशू पे, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं या किसी नॉलेज को लेते हैं, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाया जाएगा. उससे फिर कम ब्रॉडन जो है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. सी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम एक आप एक एंटिटी, दो या तीन एंटिटी से बात करती है, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है. तो ग्रुप कम्युनिकेशन से थोड़ा कम, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल दो या तीन या चार लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ठीक है, उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाएगा. उसके बाद है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट वन टू वन कम्युनिकेशन. नॉट वन टू वन मींस व्हेन वी कम्युनिकेट विद आवर ओन सेल्फ, दैट इज नोन एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, राइट? खुद से खुद का जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. एंड वी एवरी वन डू इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू गो समवेयर, इफ यू प्लान समथिंग, लाइक वी प्लान अवर डेली रूटीन, सो वी कम्युनिकेट विद अवर ओन सेल्फ, दैट इज नोन एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. सो सम ऑफ दीज आर दी सम ब्रॉडन एरियाज ऑफ दी स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन. डू रिमेंबर, सी, कम्युनिकेशन इज वेरी मच एक्सटेंसिव इन नेचर, राइट? कम्युनिकेशन आपसे स्कोप में यही पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन का कहाँ कहाँ पर यूज है. तो उसका मास कम्युनिकेशन में है, ग्रुप कम्युनिकेशन में है, इंटरपर्सनल में है और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में है, राइट? सी, एक बार और इसे कंक्लूड कर लेते हैं. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, अपने खुद के इंडिविजुअल सेल्फ से कम्युनिकेट करना इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है. जैसे आप अपने डेली रूटीन को तैयार करते हैं, वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है. जब आप अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अपने खुद से बात करते हैं, खुद से चीज़ों को डिसाइड करते हैं, खुद के लॉजिक्स अपने आप को ही देते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, कल आपको कहीं पर जाकर प्रेजेंटेशन देना है, तो आप उस प्रेजेंटेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने आप को ही आंसर कर रहे हैं, चीज़ों को एक जगह एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर रहे हैं, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन का स्कोप कहाँ कहाँ पर है. उनमें से एक जगह है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. जब हम एक से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ अपनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस
शेयर करते हैं या लेते हैं तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, जब हम यही काम और ब्रॉडर वे में करते हैं तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा। उसके बाद है आपका मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन और ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जितने भी रैलीज होती हैं, पॉलिटिशियंस रैलीज लेते हैं, तो वो भी किसका मीडियम है, मास कम्युनिकेशन का ही एक मीडियम है। तो ये क्या है, ये सारे स्कोप हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। अब हम इसके आगे थोड़ा और देखते हैं कि इसको और आगे हम पढ़ते हैं कि और थोड़ा सा इंटरनल चले जाते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको थोड़ा और डिटेल करा गया है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है कि कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ। ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज देयर ओन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। लाइक इन पर्सनल लाइफ वी कम्युनिकेट विद अवर फ्रेंड्स, वी कम्युनिकेट विद आवर कलीग्स, वी कम्युनिकेट विद आवर वेरी क्लोज वन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में भी आपका जो कम्युनिकेशन होगा वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। और पर्सनल कम्युनिकेशन ऑब्वियसली आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, जिसमें हम बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो हमारी पर्सनल लाइफ में हमारे सुबह उठने से लेकर शाम तक, रात तक सोने तक हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ भी उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। जब हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं, अपने पेरेंट्स से को रिलेट करते हैं, तो पर्सनल लाइफ में भी आपका स्कोप है। नेक्स्ट है आपका देखिए कम्युनिकेशन इन सोशल लाइफ। सी कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ द सोशल लाइफ। आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल एंड मैन हैज टू कम्युनिकेट विद द सोसाइटी फॉर हिज और हर ओन बेटरमेंट एज वेल एज द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो इट इज वेरी मच एसेंशियल दैट देयर इज अ वेरी ब्रॉड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इन द सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ में हम अपने सोसाइटी में अपने को बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं, सोसाइटी से लर्न करते हैं, सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करते हैं और अपने पर्सनल रिलेशनशिप को सुधारते हैं, तो वो भी आपका किस में आता है, कम्युनिकेशन इन सोशल लाइफ में। नेक्स्ट है देखिए कम्युनिकेशन इन बिजनेस। सो एज वेल एज दिस ही बिजनेस, और वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। यू कैन नॉट इमेजिन रनिंग द बिजनेस विदाउट द यूज ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। अगर आप बिजनेस में अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस उतने अच्छे तरीके से स्मूथ फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि जो स्कोप है बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कम्युनिकेशन का, ठीक है। आप बिजनेस को अच्छे से स्मूथ फंक्शन करने के लिए एज वेल एज बिजनेस को ग्रो करने के लिए कौन हेल्प करता है, आपका कम्युनिकेशन हेल्प करता है, बहुत सारे मीडियाज ऑफ कम्युनिकेशन आपको हेल्प करते हैं। तो इसका डिटेल वर्जन हम आगे वाले वीडियोज में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी इतना समझिए कि बहुत ज़्यादा स्कोप है कम्युनिकेशन का बिजनेस में भी। नेक्स्ट है उसी तरीके से कम्युनिकेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। जितने भी इंडस्ट्रीज में जो रिलेशंस क्रिएट होते हैं, जिस तरीके से वर्क परफॉर्मेंस होता है, कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है, कोऑपरेशन बढ़ता है आपस में लोगों में एज वेल एज बिजनेस एंटिटीज में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसका, कम्युनिकेशन का। तो ये सारा रोल है किसका, किसकी बात हो रही, कम्युनिकेशन की ही के रोल की बात हो रही, कि कम्युनिकेशन की मदद से इन इन सब्जेक्ट एरियाज में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। कम्युनिकेशन एक तरीके से इन्वॉल्व है इन सारे एरियाज में। ऐसे कम्युनिकेशन इज टोटली ग्लोबलाइज्ड इन नेचर। ये नहीं है कि यू कैन नॉट कन्फाइन कम्युनिकेशन इन वन रूम और सम काइंड ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। ये नहीं है कि एक रूम के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, एक कंट्री के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन इज टोटली ग्लोबलाइज्ड इन नेचर। कम्युनिकेशन हम आप नेशनल बाउंड्री से बाहर, स्टेट बाउंड्री से बाहर एज वेल एज ग्लोबल मोड पर करते हैं। इसी तरीके से सारे लोग आपस में वेल निटेड रहते हैं, ताकि वक्त पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सके। सो वी कैन से दैट इट इज ग्लोबलाइज्ड इन नेचर एज वेल एज कम्युनिकेशन हैज अ लार्जर स्कोप इन अ रिलीजियस लाइफ टू, ठीक है। तो रिलीजियस लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का। जितना भी हर एक रिलीजन की अपनी कुछ मोरल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, एथिक्स होते हैं, वो एक दूसरे से पास ऑन होते हैं। किस तरीके से पास ऑन होते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही पास ऑन होते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन लाइफ। तो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ का भी कम्युनिकेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई जैसे बिजनेस में बोला था उसी का एक पार्ट आ गया, अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि वहाँ पर अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, कम्युनिकेशन में बैरियर्स कम आएंगे, समय कम लगेगा और वो सारे जितने भी वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जो भी वर्कर्स हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन आप जहाँ तक सोच सकते हैं आप उसके लिए लिख सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि इन किन इन इन सब्जेक्ट एरिया में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वैसे हर एक सब्जेक्ट एरिया में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर ऐसे आपके रीजन हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू फाउंड इट वर्थ, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन दी अवर नेक्स्ट वीडियो टू। थैंक यू।